दोस्तों आपका स्वागत है। इसको कहा जा रहा है विस्तार एवेन्यू। ये है राजपथ, पुराना वाला राजपथ जो कि अब हो गया है बिल्कुल नया और इसका नाम बदल कर रख दिया गया है कर्तव्य पथ। बहुत ही खूबसूरत नाम है। नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन कर दिया है, इसका उद्घाटन कर दिया है और अब आप जब चाहें अपनी फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर घूमने जा सकते हैं। इसकी खूबसूरती, ये नज़ारा जब आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे दोस्तों। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, एकदम साफ सुथरा आपको लगेगा जैसे कि आप विदेश में हैं। क्योंकि विदेशों में जिस तरह की सफाई है आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप, उससे भी ज़्यादा सफाई आपको नज़र आ रही है दोस्तों। ये बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इसमें पैसा लगा है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ पूरे देश की तरफ से कि जब भी आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर जाते हैं तो कृपया करके यहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी ना फैलाएं। अगर आपका बच्चा एक टॉफ़ी भी खाता है तो उस टॉफ़ी का जो रैपर है वो आप प्लीज़ आप अपने बैग में रख लीजिए। जगह जगह पर डस्टबिन लगाए गए हैं, जो भी कूड़ा कचरा है वो डस्टबिन में डालिए। पहले आप देखते थे जब भी आप इंडिया गेट जाते होंगे, लोग वहाँ पर पार्क में बैठकर कुछ भी खाते पीते हैं और वहाँ पर कूड़ा कचरा फैलाते हैं। लेकिन आप देखिए, ये जगह आपके घर जैसी है, ये हमारा देश है, हमारा देश ही हमारा घर है। जिस तरह से हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, कोई मेहमान आने वाला होता है हम फटाफट साफ़ सफाई चमकाने में लग जाते हैं कि मेहमान कहे अरे वाह क्या घर है। तो इसी तरह से आप अपने देश को समझिए ताकि कोई भी बाहर से या कहीं से भी, अब इवन अपने देश से ही कहीं दूसरे स्टेट से आता है और दिल्ली में एंटर करता है, इंडिया गेट घूमने ज़रूर जाते हैं लोग, तो वो आए और वो कहें वाह क्या जगह है, कितनी अच्छी जगह है, कितना सुकून यहाँ पर मिल रहा है। और सुकून और खुशी वहीं पर मिलती है जहाँ पर साफ़ सफाई होती है, जहाँ पर हरियाली होती है दोस्तों। एक दिन इसी तरह से पूरा देश बदल जाएगा, ये हमारा सपना है कि हम अपने देश को बदलेंगे। इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से ये काम किया है वो करते रहें और पूरा देश उनके साथ है कि उन्होंने इस तरह का काम किया है जिससे हमारे देश का नाम रोशन होगा, जिससे हर एक नागरिक को गर्व होगा कि हम इस देश के नागरिक हैं। जहाँ नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं जो सोचते हैं कि देश की तरक्की किस तरह से की जाए, देश को अच्छा बनाना, उज्ज्वल बनाना, साफ़ सुथरा बनाना उनका एक सपना है, जिस तरह से स्वच्छ भारत सभी का सपना होता है।